अलविदा थियोडोर। ओहो, तुम लोगों को कोई और सवाल नहीं सूझा क्या? हाँ, मैं तो रात भर सोचता रहा पर कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। वैसे मैंने कुछ सोचा था पर अब मैं भूल गया। हेलो थियोडोर, क्या आप भी हमारे साथ चल रहे हैं? नहीं नहीं दोस्तों, मैं तो बस अलविदा कहने आया हूँ। अलविदा? पर किस लिए? ओह, देखो ना, सितंबर का महीना आ चला है। हम पक्षियों का झुंड आज शाम को गर्म प्रदेश के लिए रवाना हो रहा है। हम वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत दूर है। अरे ये कहाँ दूर है, दूर तो वो गर्म प्रदेश है। कई दिनों की मुश्किल भरी उड़ान, भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, तेज हवाओं और तूफानों से होकर गुजरना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, क्या सवाल है आज तुम्हारे पास? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आज मैं सबसे दिलचस्प सवाल का ही जवाब दूंगा। क्या हुआ, कोई भी सवाल नहीं? वैसे मापा पंडित का एक सवाल है, ये सभी सारा सर्दियों के मौसम में गर्म प्रदेश क्यों चले जाते हैं? क्या सवाल पूछा है लियो? बहुत बढ़िया, वाकई बहुत ही बढ़िया सवाल है तुम्हारा। शुरू में बहुत पहले पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती थी, लेकिन फिर मौसम में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जीव जंतु अपने लिए फर और पंख ढूंढने लगे। जिन्होंने पंख ढूंढ लिए वे उड़ने लगे और पक्षी बन गए। बाद में पता चला कि पंख सर्दी से नहीं बचा पाएंगे, पर पक्षी जो थे वो तो अपने पंख को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्हें अपने पंखों से बहुत प्यार था। अपनी उड़ने की अद्भुत क्षमता को पक्षी अभी गर्म फर के लिए खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए कई पक्षी सर्दी से बचने के लिए हर साल दूर गर्म प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं। अच्छा है कि मेरे पास ये फर है, वरना मैं तो कभी भी इतनी दूर गर्म प्रदेश तक पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा है कि मेरे पास ये फर है, नहीं तो मुझे भी किसी गर्म जगह पर जाना पड़ता। हाँ, कितना सुंदर पंख है, ये कहाँ से आया होगा? ये तो थियोडोर का पंख है। और वो लोग तो इसके बिना गर्म देश तक नहीं जा पाएंगे। तब तो हमें उन्हें इसे वापस करना होगा। पर हम उन तक नहीं पहुँच पाएंगे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब तो मेरी दोस्तों जल्दी चलो। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। नहीं लियो, नहीं हो पाएगा। पर क्यों नहीं? छलांग लगाओ टेक, डरो नहीं। हटो, पहले मुझे जाने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लड़कियों को हमेशा पहले ही जाने देना चाहिए। अरे वाह, मजा आ गया, हम पहले ऐसे क्यों नहीं कूदे? ये तो सच में बहुत ज्यादा ऊंचा है। लियो सुनो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है टेक, जैसा तुम चाहो, पर उससे पहले ये बेल पकड़ लो। क्या बात है टेक, कूदो टेक, मुझे बचा लो दोस्त लियो। पकड़े रहो, छोड़ना मत टेक। अरे टेक, मैं अभी आया। हुआ क्या था तुम्हें? लगता है इसका हाथ उलझ गया था,
इसीलिए कूद नहीं पाया। हाँ सच में मेरा हाथों लच गया था। कितना ज्यादा घना कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे हो गया काम, सारस बस अब उड़ने ही वाले हैं। पर थियोडोर कैसे उड़ेंगे? उनका पंख उड़ गया, पकड़ो उसे, उड़ जाएगा। अरे छोड़ो, अब उसका क्या करेंगे हम? वैसे भी हमें देर हो गई है, इस कोहरे की वजह से हम रास्ता भटक गए हैं। ये पंख तो चमक रहा है। लगता है ये हमें रास्ता दिखा रहा है। चलते उड़ते हैं दौड़ते हम, एक दूजे के लिए तैयार हम, जादुई पंख पर है फिदा हम, दिखाए रास्ता हदम। फंस गए जो मुसीबत में तुम, कोई फिक्र न करना तुम, तेरे लिए तेरे यार ओ हम दम लगे हर हम। कर गए कोई पंख भर वाले, या गाय के दो जनराले, सरहद नहीं तो सिमी कर यकी, क्यों दो हम दम मत वाले। चलना कोहरे से निकलना, नदिया छट से पार लगाना, थियोडोर को मदद पहुंचाना, फंस गए जो मुसीबत में तुम, कोई फिक्र न करना तुम, तेरे लिए तेरे यार ओ हम दम ढूंढ लेंगे हर हम। कर गए कोई पंख भर वाले, या गाय के दो जनराले, सरहद नहीं दोस्ती बिगर यकी, थियोडोर हम दम मत वाले। तो कुछ नहीं पता। क्या बात कर रहे हो तुम, मजाक कर रहे हो थियोडोर? शेर चीता और बनबिलाव तुम्हारे दोस्त हैं। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। पूरा झूठ बकवास। वो कहाँ छुप सकता है भला? लियो! यारा! हे! मेरा तो आज का दिन ही खराब है। पहले मेरा हाथ उस बेल में उलझ गया था और मैं अब इस गड्ढे में आकर गिर गया। मुझे ये बेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सारस कहाँ चले गए? क्या सब उड़ गए? हाँ, लगता है हमें आने में देर हो गई। इधर आओ जल्दी से। हंसलो हंसलो, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो या ना करो, पर वो सच में मेरे दोस्त हैं। हमने उन्हें तोड़ लिया। हुर्रे! ये लो, इसे अपनी सही जगह पर लगा लो। हाँ, ये तो मेरा ही पंख लग रहा है। इसके बिना तो आप उड़ नहीं पाते। क्या बात कर रहे हो टिक, इस एक पंख के बिना भी मैं अच्छे से उड़ सकता हूँ। तो हम बेकार ही इतनी दूर तक आए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम सब मुझे यहाँ अलविदा कहने के लिए आए हो, और ये पंख मैं तुम सभी को तोहफे के तौर पर देता हूँ। अलविदा थियोडोर दोस्त, अपना ध्यान रखना।
क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें जो लहरों में चली। गाकर हम उसे भगाए, गाकर हम उसे भगाए, गाकर हम उसे भगाए, उड़कर आगे बढ़े। हे होंडी डर परिंदे, हे होंडी डर परिंदे, हे होंडी डर परिंदे, हम घर चले। हे हो, हे हो, हे हो, हे हो, हे हो, हे हो, हम घर चले। टाइगर की रूह की तरफ से एक तोहफा। क्या बात है, ताजा मांस। तुम तो कितने मोटे भी हो, शिकार होने खुद चले आए। यहीं रुक जाओ। अच्छा, इस तरफ। और अच्छा, अब इस तरफ। मिल गया। अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया। क्या आपने देखा, क्यूबा ने आधा घंटा लगा दिया सूंघते हुए और मैंने बस एक झटके में ढूंढ लिया। क्या शानदार नाक है मेरी। शाबाश टैग। तो मापा पंडिका, ये सूंघने की शक्ति आखिर आई कहाँ से? ये तो बहुत पुरानी कहानी है बच्चों। एक समय की बात है, जानवरों में सूंघने की शक्ति जरा भी नहीं थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। पूरी कहानी तो सुन लो। उन दिनों में जानवर सिर्फ अपने देखने और सुनने की शक्ति पर निर्भर करते थे। पर एक दिन टाइगा पर भीषण सर्दी का प्रकोप हुआ। इतनी भयानक सर्दी हुई जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ था, और हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर थी, और जानवरों को खाना ढूंढने में बहुत तकलीफ होने लगी, और वो भूख से तड़पने लगे, और ऐसा लग रहा था जैसे ये सर्दी का मौसम कभी नहीं जाएगा। टैगा की रूह को जानवरों पर दया आने लगी और उसने जानवरों को ये शक्ति दी कि वो बर्फ के अंदर पड़े खाने को भी सूंघ सके। ये सभी जानवरों को मिली है? हाँ, और सबसे ज्यादा शक्ति दी गई शिकारियों को, भेड़ियों को। इसलिए तुम सबको सावधान रहना चाहिए। अफवाहें तो ये है कि हमारे जंगल में लाल भेड़िया आया था। अरे बाप रे, मैं तो वुड्स में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मापा, चलो फ्लॉस ढूंढने चलते हैं। और अब मेरी बारी है। ठीक है मिला। जेक, क्यूबा कहाँ है? क्यूबा शायद अभी भी अपना फ्लावर ढूंढ रहा होगा। टाइगर की आत्मा ने उसकी नाक पर काम ही नहीं किया होगा। नहीं टेक, वो झाड़ियों में नहीं है। कहीं वो मुझ में तो नहीं गया, वहाँ लाल भेड़िया है। नहीं, वो यहीं कहीं होगा। टेक, हमें उसे ढूंढना होगा। क्यूबा, हेलो क्यूबा, तुम कहाँ हो? टेक, ऐसे चिल्लाना बंद करो, ऐसे चिल्लाओगे तो लाल भेड़िया सुन लेगा। लियो, पर उसे ढूंढेंगे कैसे? पाँव के निशान से? क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं टेग, हम क्यूबा को उसकी खुशबू से ढूंढेंगे, जैसे तुमने फूल ढूंढा। हाँ सही कहा, अब देखो मैं कैसे उसे झटके में ढूंढ लूंगा। लियो ये बताओ, क्यूबा की खुशबू कैसी है? सच में, ये देखो इस फल की जैसी। लो इसे सूंघ लो। तो मेरा ध्यान मत भटकाओ। मुझे लगता है मिल गया। तुम्हें मिला? ये पक्का उसी की खुशबू है। चलो ढूंढते हैं। मुझे खुशबू यहाँ से ही आ रही है, लेकिन वो जंगल में क्यों गया होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है टेक। तुम बदमाशी नहीं करते तो
क्यूबा कहीं नहीं जाता। अब मैंने क्या कर दिया? तुम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, ठीक? क्यूबा, तुम आधे घंटे से फूल ढूंढ रहे हो। कहीं तुम अपनी नाक घर पर तो नहीं भूल गए? ओह, समझ गया, तुम्हारी नाक तो किसी काम की ही नहीं है। लियो, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बुरा मान जाएगा। ठीक, दोस्तों पर हंसना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है क्या जब निवले तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? जब तुम्हें ऊंचाई पर जाने से डर लगता है? हाँ हाँ, मैं समझ गया। एक मिनट, ये खुशबू कैसी है? यहाँ से आ रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है लियो। आखिर वो छिप किससे रहा है? लियो, मुझे किसी और की भी खुशबू आ रही है। शांत हो जाओ टेग, ये असली भेड़िया नहीं है। क्यूबा, कम ऑन, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चले चले, हमें क्यूबा को बचाना होगा। सही कहा, अगर वो अब जिंदा होगा तो। वाह, क्या बात है, फिर से ताजा मांस। लियो, ये तो असली वाला है। इसने कहा एक और नाश्ता, मतलब क्यूबा को खाकर बचा गया होगा और अब यह हमें खा जाएगा। देख जल्दी। चलो ठीक। ठीक, यहाँ पर तो दलदल है, हम और आगे नहीं जा सकते। चलो वहाँ छिपते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। शायद वो ध्यान ना दे। अब कहाँ छुपोगे बच्चों, मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। लगता है उसने हमें सूंघ लिया। तुम्हारी खुशबू आ रही है, तुम्हारी खुशबू आ रही है, मेरा प्यारा ताजा नरम मांस वाला खाना, एक बाघ का बच्चा और तेंदुए का बच्चा। उसने हमें सूंघ लिया है। लियो, तुम्हें कुछ सोचना होगा, जल्दी सोचो। ये तो कोई राक्षस लगता है। अब तो हम काम से गए। बस बहुत हुआ बच्चों, मैं आया, आ रहा हूँ तुम्हें खाने। मैं तुम तक पहुँच चुका हूँ। हाँ, क्या हो रहा है ये? कहाँ गए वो दोनों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो खुशबू के पीछे भाग रहा था। अच्छी बात है, मुझे बेवकूफ बनाकर गए ना। लेकिन अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, मैं तुम्हें खा कर रहूंगा। हम जीत गए, वो चला गया, वो हमें सूंघ नहीं पाया। इस राक्षस की वजह से इसने हमारी खुशबू को छिपा दिया। क्यूबा, ये तो तुम यहाँ छुपे हुए थे,
पर हमने तुम्हें राक्षस समझ लिया था और क्यों नहीं? सुनो क्यूबा, एक बात कहूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुम्हारे सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह से छिपने के बारे में मैं कभी नहीं सोच पाता। और ये है घाटी की लिली, मेरा पसंदीदा, लो सूंघो इसे, कमाल है ना? सही कहा, इसमें से अजीब बदबू आ रही है, बहुत अजीब बदबू हमसे आ रही है। मैं एक गंदा राक्षस हूँ और मैं सबको बचा लूंगा। ठीक, तुम राक्षस जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, तुम तो कीचड़ में भी प्यारे दिखते हो। हाँ, ये महक तो मेंढक जैसा है। प्यारी ब्लीजी, देखो पाइन कोन, पर इसे पहले मैंने देखा है। पापा ने कोन इकट्ठा करने का इंचार्ज मुझे बनाया है। ये मुझे दो। प्यारे दोस्तों, बाग मिल गए। स्पॉट वाले और थारी वाले, हमले के लिए तैयार हो जाओ। और हमले। शुक्रिया स्पाइक, अब हमारे पास पूरी सर्दी के लिए खाना होगा। चलो मापा के पास चले, ओ वो कितने खुश हो जाएंगे। देख लिया है, ये कह रहा है कि पूरी सर्दी के लिए बहुत सारा खाना मिल गया। भाड़ में जाए। स्पाइक, आप उनको याद आया, अपन लोग स्टॉक इकट्ठा करना कब शुरू करेंगे? हम कभी नहीं करेंगे, नेवले कभी खाना इकट्ठा नहीं करते, नेवले खाने के लिए दिमाग लगाते है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों, हमारे लिए खाना जमा करना बहुत जरूरी होता है, इसके बिना सर्दी काटना नामुमकिन हो जाएगा। जब बर्फ का तूफान आएगा तो तुम लोग मेरा शुक्रिया अदा करोगे। ये तूफान आता कहाँ से है? ये तूफान आखिर आता कहाँ से है और इसका घर कहाँ है? मापा पंडिका, बताइए ना प्लीज, ये तूफान आखिर कहाँ रहता है? इसमें ज्यादा कुछ बताने जैसा तो नहीं है, तूफान अपने बर्फ के किले में रहता है, सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, जहाँ पूरे साल बर्फ पिघलती ही नहीं है। और जब सर्दी आती है तो धीरे धीरे टाइगा की तरफ आती है, और फिर ध्यान रहे कि कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए। अगर तूफान को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरी चीजें होती हैं, वो सब कुछ जमा कर रख देगी और सब कुछ बर्फ बन जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ना जानवर, ना ही चिड़िया, ना ही पेड़। कहते हैं कि एक बार पूरा टाइगा मरते मरते बचा सिर्फ उसकी बर्फीली सांस की वजह से। अब क्या करेंगे? यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है, कहीं तूफान हमसे गुस्सा तो नहीं? क्या क्या तूफान गुस्सा? ये तो बस कहानियां है ना मापा पेंडिगा? हो सकता है ये सच्चाई हो या फिर कहानी भी हो सकती है। लियो, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तूफान को ढूंढना ही होगा और पता करना होगा कि वो इतना गुस्सा क्यों हो गई। देखो, कोई तूफान नहीं है, तुमने मापा की बात नहीं सुनी, ये सिर्फ एक कहानी है। तुमने सुना, ये वही है, वो तूफान। चुप जा अभी। मेरी प्यारी बच्ची। प्यारी बच्ची, जल्दी जल्दी सब खाना छिपा दो इससे पहले कि तूफान हम तक पहुंच जाए। क्यों नहीं छुपाओ, वैसे भी ये खाना हमारा होने वाला है, हमें तो बस एक प्लान बनाना होगा। कम ऑन स्पाइक, सोचो। मा
मापा पेंडिगा, मापा पेंडिगा। हम जानते हैं कि तूफान इतनी दुखी और उदास क्यों है। क्योंकि उसकी बेटी खो गई है। ब्लिजी, हमें उसे ढूंढना होगा, तभी तूफान का गुस्सा कम होगा और टाइगर नहीं जमेगा। हाँ, सही कहा। अच्छा, तो तूफान की इकलौती बेटी खो गई, क्या बात है। तब मुझे मेरा प्लान मिल गया। वो अपना सारा खाना हमें खुद ही दे देंगे। चलो मेरे साथ। मम्मी, 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 मम्मी। हेलो ब्लिजी, कोई तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है, सर्दियों के लिए खाना भी दे सकता है। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। स्पाइक, अब हम क्या करें? बस ब्लिजी पर पैनी नजर रखो, उसे यहाँ से कहीं जाने मत देना। ये क्या कर रही है? मुझे क्या पता, शायद हमारे साथ खेलना चाहती हो। एक मिनट, ब्लिजी रुक। देखो वो रही, वही रुक जाओ लड़की। नहीं, ब्लिजी। हम तुम्हें ब्लिजी देंगे और उसके बदले तुम हमें सर्दियों के लिए जमा किया खाना दोगे। तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो कैसा लगा मेरा प्लान? तुम बताओ मेरा प्लान कैसा है। अगर मैं तुम्हें इससे मारूं। एक मिनट रुको टिग, हमें ब्लिजी को किसी भी कीमत पर ढूंढना है ना, नहीं तो टाइगर कहीं खत्म न हो जाए। पर हमारे स्टॉक का क्या? वो हम फिर से जमा कर लेंगे। स्पाइक, हमें मंजूर है। बहुत बढ़िया, यकीनन तुमने समझदारों वाली बात। मैं तो हमेशा कहा करता था, बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। स्पाइक, वो ब्लिजी एक गड्ढे में गिर गई है। क्या? क्या? थोड़ी देर और फिर पूरा टैगा बर्फ बन जाएगा। हमें जल्दी से ब्लिजी को ले जाना होगा। यहाँ, वो इसी के अंदर गिर गई है। हमें भी इस गड्ढे के अंदर जाना होगा। इसके अंदर, जहाँ अब सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी। नहीं, बर्फ ही बर्फ होगा। लियो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊँगा। ओह, बिल्कुल नहीं लियो। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बस अंदर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अंदर मकड़ी या फिर चमगादड़ हो सकते हैं। मुझे ऐसी जगह बिल्कुल नहीं पसंद। हेलो, मुझे लगता है हमें राइट जाना चाहिए। ठीक है, तुम कहते हो तो राइट ही सही। ब्लेजी, ये रास्ता भी बंद है। मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे। ढूंढ भी लिया तो वापस नहीं जा पाएंगे। चलो उठो टेक, हमें जाना पड़ेगा। अब ये लोग कहाँ रह गए दोस्तों? देखा स्नॉटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हो? मैंने कुछ नहीं किया। अब ये कौन थी? ओ लियो, ये देखो, ये तो सीडर नट है, मतलब हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। सीडर नट? वाओ टिक, तुम जीनियस हो। मैं क्या कहूँ, खैर शुक्रिया। ठीक है, ये कौन मुझे दो, इसकी मदद से हम खोएंगे नहीं। बढ़िया, तो इसकी मदद से हम निशान लगा सकते हैं। अब मेरे पास ऐसे आइडियाज आते कहाँ से है। तूफान, ब्लिजी, ठीक इस तरफ, हमने उसे ढूंढ लिया। मम्मी, मेरी मम्मी कहाँ है? ए, रो मत, मम्मी के पास जाना है। चले चले, हमें पता है वो कहाँ है। Mommy,
मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? शुक्रिया। वो देखो, बर्फ पिघल रही है। तूफान अब गुस्से में नहीं है। हाँ, हमने कर दिखाया। ये लो, अब हम सर्दियों के लिए तैयार हैं। अरे वो देखो, जल्दी लेकर आओ, इतने देर क्यों लगा रहे हो? बाएं मुड़ो, मैंने कहा दाएं मुड़ो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दिमाग का इस्तेमाल क्या करो। छोटे कदम। लोमड़ी छोटे घोड़े का पीछा करने लगा और उसे भगा दिया। लियो, तुमने देखा, लोमड़ी एकदम जैसे असली हो। ओ मीला, तुम भी ना। ठीक, इसे रोको मत। मीला आगे बढ़ो, चलो दिखाओ आगे क्या होता है। पर छोटा घोड़ा लोमड़ी से बिल्कुल नहीं डरा। जरा इसे तो देखो, इसे तो डर ही नहीं लगता। ये तो हीरो निकला। अच्छा मीला, ये भी क्या तुम्हारे परफॉर्मेंस का हिस्सा है? नहीं तो। मेरा माइक। तुम लोग दौड़ क्यों रहे हो? मुझे धक्का मत मारो। बचाओ। शुक्रिया। बताओ क्या हुआ है? एल्सा, एल्सा आ रहा है। ये है एल्सा। ये तो बहुत बड़ा है। ये हमारा हीरो है, इसने हम सबको बचाया। क्या कहा, मैं हीरो हूँ? हीरो, हीरो, ये हीरो है। तो क्या अब मैं एक हीरो हूँ? तुमने सुना लियो, ये लोग मुझे हीरो कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। टेक, हीरो की जय हो। हीरो की जय हो। हीरो की जय हो। महामंत्री, क्या है ये सब? अरे महाराज, इन्होंने साहसिक काम किया है, देखा ना आपने? ओह हीरो, आपने हमारी प्रजा की जान बचा ली। इसके लिए मैं आपको आमंत्रण देता हूँ दावत पर, आपकी शान में। दावत? वो भी मेरी शान में? सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं एक हीरो। हीरो, हीरो, हीरो। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं मजाक क्यों करूंगा? देखो मैं जा रहा हूँ। चलो दोस्तों, मेरी शान में दावत करेंगे। सुनो, जरा ध्यान से हो, अपने हीरो को गिरने मत देना। ओ हीरो, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस दावत से खुश तो है ना? दुख की बात है कि लियो मेरे साथ नहीं है, उसे तो भरोसा ही नहीं होगा। क्या ये मेरी तस्वीर है? क्या बात है, दावत के बाद मैं ये लियो को दिखाऊंगा। बचा लिया, मरते मरते बचे। हीरो की जय हो। कम ऑन, ये कौन सी बड़ी बात है? सच में दूसरी बार देखा आपने? दूसरी बार देखा क्या आपने महाराज? इन्होंने कैसे दूसरी बार भी जान बचाई है। बचाओ बचाओ, अरे अपनी जान बचाओ, सबके साथ भागो सब। ये लो, जाओ यहाँ से। तीसरी बार,
तीसरी बार जान बचाया महाराज। हीरो की जय हो। सही कहा, हीरो बनने का तो मजा ही कुछ और है। हीरो की जय हो। ओ हमारा हीरो टीक, लोगों ने टीक ही कहा था, आप हमारे पास वापस आ गए। क्या लोग? कौन से लोग? प्राचीन लोगों ने। ये बहुत पुरानी बात है। हमारा जो समुदाय था ना, वो हर चीज से डरता था। हमें कोई भी चोट पहुंचा सकता था, लेकिन हमारे समुदाय को सबसे ज्यादा डर था जंगल के राक्षस से। हर साल वो राक्षस आता था और हमारा खाना चुरा कर ले जाता था। फिर हमारे समुदाय ने प्रार्थना शुरू की, ओ टैगा के ईश्वर, हम छोटे हैं और हमें आपकी सुरक्षा चाहिए। टैगा के ईश्वर ने हमारी बात सुन ली और वादा किया कि वो एक हीरो को भेजेंगे, लेकिन हम उन्हें देखते ही पहचान नहीं पाए। उनके तीन बार जान बचाने के बाद ही हमें जाके पता चला कि वो हीरो है, और हमने उनके सामने सर झुकाया और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताया। और फिर हीरो जंगल में गया और फिर उसने जंगल के राक्षस को भगा दिया। ये तो कमाल है, उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद वो हीरो चला गया, पर जाने से पहले कहा है कि अगर जंगल का राक्षस फिर तुम्हें परेशान करेगा तो मैं वापस आऊंगा और हम उसे पहचानेंगे उसके तीन हिम्मत भरे काम से, और आज वो यहाँ है। अच्छा, तो कौन है वो? वो आप हैं, हमारे महान हीरो। भगा देंगे। हीरो की जय हो। हाँ, क्यों नहीं, ये राक्षस है कौन? कोई गिलहरी है क्या? गिलहरी? नहीं, उससे तो कहीं बड़ा है। असल में मैं बात कर रहा हूँ हिल्सा की। हिल्सा? हिल्सा। एक बात कहूँ, मैं हीरो बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं हीरो बन ही नहीं सकता, शायद आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। साथियों, हीरो को उनकी क्षमता याद दिलानी होगी। हीरो, हीरो, हीरो। हे, क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे। मैं तुम्हारा हीरो नहीं बनना चाहता हूँ। हे सुनो, मुझे जाने दो यहाँ से, क्या कर रहे हो? मुझे अब घर जाना है। देखो, मैं वापस आऊंगा शाम में पक्का, जब अंधेरा हो जाएगा। सुनो बच्चे, यहाँ आओ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जाओ मेरे दोस्तों को ढूंढो, प्लीज। ओके। क्यूबा, पकड़ो। नहीं पकड़ पाए। वो टेक वहाँ जेल में है। एक मिनट रुको, क्या तुमने कहा जेल? मैं समझा नहीं, पूरी बात बताओ। हीरो, 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 क्या पड़ी थी मुझे भी हीरो बनने की? मैं अभी घर में होता वो भी लियो के साथ। साथियों, बहादुरी दिखाने का वक्त अब आ चुका है। लियो मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? हीरो, क्या आप तैयार है जंगल के राक्षस से लड़ने के लिए? नहीं। हीरो तैयार है। जाओ लड़ो हीरो। हीरो हम जा रहे हैं। हेलो हिल्सा, देखो शायद हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गया, अब मैं नहीं बचूंगा। टेक, डरो मत, मैं हूँ ना। लियो मेरे दोस्त, तुम आ गए।
तुम मुझे बचाने आए हो? हाँ टेक, मेरे पास एक प्लान है। लियो, तुम उसे अंधा कर रहे हो क्या? क्या यही तुम्हारा प्लान है? सब्र करो टेक, खेल तो अभी बस शुरू हुआ है। लियो, जंगल का राक्षस, अब तो हम मर गए। गुड बाय। ये क्या है? हीरो ने जंगल के राक्षस को भगा दिया। हीरो की हीरो, हीरो की पर ये मैंने नहीं किया। वो कहाँ गया लियो? वो डरावना राक्षस। ये रहा तुम्हारा डरावना राक्षस टेक। वाह दोस्तों, ये तो कमाल था। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया था। वो हिल्सा भी डर कर भाग गया। मैं नहीं, असली हीरो तुम लोग हो। ये लीजिए हीरो। अरे नहीं, हम आपके हीरो नहीं है। हम तो बस टेक को बचा रहे थे, वो हमारा दोस्त है। और जिससे हमने हिल्सा को डरा कर भगा दिया वो है माइक। ऐसा है तो चलो दावत करते हैं माइक की शान में। दोस्तों की शान में। माइक और दोस्तों की शान में। क्या बात है। आखिर हम बच ही गए। लियो, मैंने तीन बहादुरी वाला काम किया था। किया था ना? अच्छे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। परिंदों के साथ सुनाड़ी, जा देख किस बात का हल्ला हो रहा है ये। अपनी ये चिक चिक बंद करो समझी, हम यहाँ सो नहीं पा रहे हैं। चुप चुप। ए जाओ यहाँ से, चलो निकल लो। ये सुबह सुबह इतना हल्ला कौन मचा रहा है? ये चिड़िया। चुप हो जाओ, चिक चिक बंद करो। हे तुम, उन्हें चुप कराने वाले तुम कौन होते हो? और चिड़िया तो गा रही है, पूरे जंगल में इनके जैसा सुरीला कोई नहीं गाता। अच्छा ऐसा है, तो चलो देखते हैं लड़की। चुपंगु वालो निकलो, हम कहते यहाँ से निकलो। मेरी नींद खराब की फू तो मैं कहता हूँ शू। गाओ पंच गीत, गाओ जोर से, संग में गाओ जंगल वासी भी सुने, तुम कितना अच्छा गाते हो। शू पंची शू, ये हमारा जंगल है तुम्हारा नहीं, तुमने नींद खराब की है तो फिर से शू। पंची तुम ना डरो, घोंसले में बैठे रहो, हमने किया इंतजार तुम्हारा गीत सुनने को। ये हमारा जंगल है सिर्फ हमारा, पर वालों को जाना होगा। खुशी के गीत है बसंत, हमें गाना है पसंद, नाचो गाओ सीटी बजाओ आ लाओ बसंत, तुम जंगल वासी भी सुने, तुम कितना अच्छा गाते हो। ये हमारा जंगल है तुम्हारा नहीं, तुमने नींद खराब की है तो अब शू। ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है तो ऐसे हुक्म मत चलाओ, इन प्यारी चिड़ियाओं को अकेला छोड़ दो। देखो मैं क्या करता हूँ। मैं भी। तुम ये क्या कर रहे हो? इसे बंद करो अभी। मैं हूँ इस जंगल का बॉस, समझ गई तुम? ऐसी बात है, पर तुम मेरे बॉस नहीं हो। अच्छा। इस जंगल को हम चलाते हैं, समझ गए तुम लोग? मुझे नहीं लगता। चलो दोस्तों, और थकाते हैं इन्हें। लो, और लड़ोगे हमसे? मैं अभी बताता हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। लियो, अपने ऊपर देखो, ध्यान से। बस करो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, प्लीज। चिड़िया जा रही है।
कर सकते हैं। ये क्या, तुमने हार मान ली? अब तुम्हें पता चल गया होगा कि इस जंगल का बॉस कौन तुम है। तुम नहीं हो, वक्त आने पर बताऊंगा। साथियों बेस पर वापस चलो, हमें जंग की प्लानिंग करनी होगी। जेगोर तुम यहाँ पर वेट करो, मिला तुम यहाँ पर वेट करो और उन्हें जाल में फंसाओ। मच्छर, ये यहाँ कैसे आ गए? मेरी मम्मी ने कहा ये यहाँ कैसे आए? ये किसी के शरीर से खून चूस लेते हैं। ओ नहीं, अब क्या होगा? अब हम क्या करें? चलो पापा के पास जाते हैं, उन्हें पता होगा। पापा फेंडिगो, सहायता करिए। पापा फेंडिगो, इन्हें जगाने की तरकीब तो मुझे पता ही नहीं है। ओ नहीं, मच्छर, खून चूसने वाले मच्छर। पाइन की डंडिया पकड़ो और गुफा में चलो, चलो। तो अब क्या हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा? हमेशा के लिए क्यों? सर्दियों में ये खतरनाक मच्छर सोने चले आते हैं। बाबा पंडिका, ये खून चूसने वाले मच्छर है क्या? और ये मच्छर होते क्या है? अरे, मेरे परदादा ने ये कहानी सुनाई थी मेरे दादाजी को। एक दिन टाइगा के ईश्वर का सगा भाई एम्बर मिलने आया था, लेकिन एम्बर इतना बदमाश था कि टाइगा के जानवर को उसका आना पसंद नहीं आया, जिससे एम्बर को बहुत गुस्सा आया। तो उसने मन बना लिया कि वो सबको सजा देगा। फिर उसने ढेर सारे मच्छर छोड़े, खून चूसने वाले, कि जानवरों को छिपने की जगह नहीं बची। वो टाइगा के ईश्वर के पास शिकायत लेकर गए। टाइगा के ईश्वर ने बाघ से मदद मांगी। मच्छरों से लड़ने के लिए बाघ कुछ नहीं कर पाया। खतरनाक मच्छर बहुत छोटे थे और बहुत तेज भी। फिर टाइगा के ईश्वर ने तेंदुए को भेजा इस लड़ाई पर, और फिर भेड़िए को, पर किसी को जीत नहीं मिली। फिर एक छोटी सी चिड़िया आई और उसने कहा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? टाइगा के ईश्वर मान गए, जरूर कोशिश करो। फिर उस चिड़िया ने गाना गाया, अपनी सहेलियों को बुलाया। फिर चिड़ियों का एक झुंड अपने पंख फड़फड़ाते हुए मच्छरों से लड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ने लगा। एक दिन के अंदर ही सारे मच्छर भाग गए और सबको मच्छरों से आजादी मिल मुझे गई। पता है हमें क्या करना चाहिए। हमें उन सभी चिड़िया को जंगल में वापस लाना होगा, पर हम ऐसा करेंगे कैसे? हमने उन्हें दुख पहुँचाया है। तभी मैं सोचूं, अचानक टाइगा में इतने सारे मच्छर कैसे आ गए? चलो बताओ, तुम लोगों ने पक्षियों के साथ क्या किया? हम तो उन्हें नेवलू से बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनसे जम के लड़ाई की, उससे चीजें और खराब हो गई। ओम पधारिए टाइगा के ईश्वर, आओ पधारो मारे देश। ओ माये हमारे पास टाइगा के ईश्वर, और मदद कीजिए, मदद कीजिए कि टाइगा सूख कर रेगिस्तान ना बन जाए। चलो अब तुम्हारी बारी। ओ टाइगा के महान ईश्वर, हमें पक्षियों को जंगल में वापस लाने में मदद कीजिए।
हम उनसे प्यार करेंगे और उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, और हम उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। और मैं विनती करती हूँ टाइगर की महान ईश्वर, प्लीज प्लीज। मुझे उनका गाना बहुत याद आ रहा है। हम उनका दिल से ख्याल रखेंगे, कभी भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। अब मैं समझ गया, तो ऐसी बात है, मच्छरों को पंछियों से डर लगता है। अपना घोंसला बनाओ, जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। सबसे अच्छी जगह तो ये है, हमारे घर के पास, यहाँ यहाँ और यहाँ। गाओ पंछी गीत, गाओ जोर से, संग में गाओ, जंगल वासी भी सुने, तुम कितना अच्छा गाते हो। पंछी तुम ना डरो, घोंसले में बैठे रहो, हमने किया इंतजार तुम्हारा गीत सुनने को। खुशी के गीत है बसंत, हमें गाना है पसंद, नाचो गाओ सीटी बजाओ और लाओ बसंत, तुम जंगल वासी भी सुने, तुम कितना अच्छा गाते हो।